सोलन के डाकघर में ऑनलाइन फ्लैटली प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न भागों से प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता डाक विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते ये प्रतियोगिता केवल ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता का समापन आज होगा। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को डाक विभाग द्वारा इनाम दिया जाएगा। ये जानकारी डाक विभाग अधीक्षक हेमशंकर शर्मा ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि डाक टिकटों और डाक के इतिहास की जानकारी युवाओं तक पहुंचे, इसको लेकर ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें युवा बहुत अधिक संख्या में भाग लेते हैं। अधीक्षक हेमशंकर शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा ऑनलाइन फ्लैटली प्रतियोगिता का आयोजन तो किया ही जा रहा है, उसके साथ साथ अन्य विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और अन्य प्रतियोगिताएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि फ्लैटली प्रतियोगिता के कारण जहां उनका शौक पूरा होता है, वहीं उनका ज्ञान वर्धन होने में भी मदद मिलती है, क्योंकि डाक टिकटों पर भारत का इतिहास अंकित होता है, जिसके संग्रह से उन्हें इतिहास और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जानकारी भी मिलती है। जी, फ्लैटली को किंग ऑफ द हॉबीज माना जाता है, और फ्लैटली का अर्थ है डाक टिकटों का संग्रह करना। समय समय पर विश्व के विभिन्न देशों में डाक टिकटें जारी होती रहती हैं, तो जो इसको संग्रह करने की इच्छा रखने वाले लोग हैं वो इनको समय समय पर इकट्ठा करते रहते हैं। एक समय के पश्चात जब ये स्टैम्प्स रेयर हो जाती हैं तब इनकी वैल्यू बढ़ती रहती है। इसके अलावा भी फ्लैटली स्कूली बच्चों के लिए ज्ञानवर्धन का एक उत्तम साधन है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। स्टैम्प्स पर्सनालिटीज़ के ऊपर, इवेंट्स के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, जितने भी लाइफ के वेरियस स्फीयर्स हैं, जीवन के विभिन्न क्षेत्र हैं, उनके ऊपर निकलती रहती है। और डाक टिकटों का संग्रह करने का शौक रखने वाले बच्चों का इससे ज्ञानवर्धन होता रहता है। हमारे हिमाचल प्रदेश परिमंडल में पंजाब और हिमाचल की एक हिमपैक्स 2020 चल रही है। ये आज इस एग्जीबिशन में एक लेटर राइटिंग कंपटीशन है, कल एक पेंटिंग कंपटीशन है। तो जो बच्चे इसमें 30 अक्टूबर तक रजिस्टर्ड हो गए हैं himpex.org पर, वो इस कंपटीशन में आज पार्टिसिपेट करेंगे। और 7 तारीख को जब ये क्लोजिंग डे होगा इस एग्जीबिशन का, उस दिन जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसके लिए आकर्षक इनाम भी स्कूली बच्चों को और जो फ्लैटलिस्ट जिन्होंने इसमें अपनी फ्रेम्स लगाई हैं उनको दिए जाएंगे।